महेश पुत्र समस्त विघ्नों गविनाश दक्ष मांगल्य पूजां प्रथमं प्रधान गृहाण पूजां भगवन् नमस्ते सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी दर्शकों को हिंदू नववर्ष 2080 का बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही चैत्र नवरात्रि जो कि प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आइए हम माँ भगवती राजराजेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती की दिव्य उन आराधना में प्रवेश करते हैं। और हम जानते हैं कि किस तरीके से भगवती की आराधना करें, किस तरीके से उसकी साधना करें, चाहे इष्ट अपना भगवती हो, राम हो, चाहे हनुमान हो। तो सर्वप्रथम प्रारंभ करते हैं कि कैसे हम घट स्थापना करें और कौन सा समय उचित रहेगा। तो जो घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त है, प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर 10:30 बजे तक का जो समय है, इसमें आप घट स्थापना कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि देवी की स्थापना प्रातःकाल बेला में करना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसके उपरांत आप 11:15 बजे भी भगवती की स्थापना करते हैं, कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बुधवार है, बुधवार को अभिजीत मुहूर्त नहीं लिया जाता, तो आप चौगड़े के हिसाब से लाभ के चौगड़े में ही घट स्थापना करें। तो घट स्थापना के लिए सबसे पहले अपने जो घर का ईशान कोण है उसमें पवित्र गंगा जल से उसको शुद्ध करें। भगवती के लिए चौकी लें, लाल वस्त्र लें, और विशेष ध्यान रखें कि घट स्थापना में अखंड दीपक और कलश स्थापना का बहुत बड़ा महत्व है। तो कलश स्थापना के लिए आप एक मिट्टी का कलश लें, उसमें सुपारी रोली एक सिक्का और मोली कलाई से बांधकर उसमें स्वस्ति लिख के और ऊपर पंच पल्लव लगा के, पांच पल्लव पत्ते लगा के, अगर नहीं मिले तो अशोक के पत्ते या आम के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। और मिट्टी का जो साफ मिट्टी हो उसमें जो लें, जो में ज्वारा जिसे हम कहते हैं कि ज्वारा बोएं, ज्वारा बोके और साथ में ही अखंड दीपक अपन स्थापना करें। लाल वस्त्र पे आप चौकी के ऊपर भगवती की प्रतिमा हो या भगवती का तस्वीर हो, विग्रह है या राम जी का विग्रह है, वो स्थापना करें। साथ में ही विशेष ध्यान रखें कि जो भी आप व्रत या उपवास करें वो नियम और श्रद्धा के साथ करें, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यंती सिद्धा स्वांतम अस्पुरः। क्योंकि जितनी आपके अंदर अटूट श्रद्धा और विश्वास होगा, उतना ही कोई भी अनुष्ठान हो या कोई भी आराधना हो, वो उतना ही फल आपको देगी। तो नवरात्रों में स्थापना के साथ में माँ भगवती को नाना प्रकार से पुष्प फल नैवेद्य लगाएं। और भगवती के 9 दिनों में विशेष ध्यान रखें कि कोई ना कोई विशेष मंत्र की आप साधना करें। अब ऐसा नहीं कि नवरात्रों में प्रचलन है कि आप दुर्गा पाठ करें, आपको अगर संस्कृत नहीं आती है तो ऐसा नहीं कि आपको दुर्गा पाठ करना आवश्यक है, आपको जैसा भी हो दुर्गा चालीसा आप कर सकते हैं, माँ सरस्वती का चालीसा करते हैं, या अपने इष्ट हनुमान जी या राम हैं तो आप उनके भी पाठ कर सकते हैं। और विशेष जो ये नवरात्रे हैं ये राम जी के विशेष हैं, तो आप रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो जो कलयुग है इसमें राम नाम की महिमा का बहुत बड़ा महत्व है। तो रामचरितमानस तुलसीदास जी ने इसीलिए लिखी है कि कलयुग में हर कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ पाएगा, मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाएगा, तो आप रामचरितमानस का पठन करें। और साथ में ही अगर कोई योग्य विद्वान हो तो उसको घर बुलाकर अपने घर पर माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का विधिवत तरीके से अनुष्ठान और पूजन करें। अगर किसी व्यक्ति को विशेष कोई घर में अशांति है या कोई किसी प्रकार का क्लेश है, तो विशेष मंत्र हैं घर में सुख शांति के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कापी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये विशेष मंत्र है और करीब करीब सबको याद भी है। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करें, हो सके तो 108 बार नित्य जप करें, और 9 दिनों तक ये आप प्रतिदिन जप करेंगे तो आपको निश्चित कोई ना कोई आपका जो मनोरथ है वो पूरा होगा। और आपको बता दें कि दुर्गा सप्तशती में जो
प्रत्येक मंत्र 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक की वो एक एक मंत्र मंत्र सिद्धि के साथ में कोई भी एक मंत्र लेकर आप उसका अनुष्ठान या पूजन कर सकते हैं। तो साथ में ही भगवती के लिए हम आराधना करेंगे और भगवती की साधना के लिए जो नवरात्रि है, नवरात्रि का मतलब है रात और दिन। ऐसा नहीं कि सुबह के टाइम हमें समय नहीं मिल रहा, ऑफिस जा रहे हैं या कैसे भी हम व्यस्ततम टाइम में टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रात्रि के समय भी हम कोई भी पूजन या किसी मंत्र की जप साधना कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि रात और दिन इसमें विशेष साधना का योग बन रहा है। और नवरात्रि का जो पावन पर्व है ये हमारे हिंदू वर्ष में हर घर में हर व्यक्ति और हर माता बनाई इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाती है। तो आइए हम भी इसी नवरात्रों को माँ भगवती की और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अनुग्रह करते हुए हम इन नवरात्रों का विधिवत तरीके से नियम और श्रद्धा के साथ पालन करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे जो भी मनोरथ हैं वो पूर्ण होंगे। जय श्री राम। पुनः सभी दर्शकों एवं सभी भक्तों को नवरात्रि के पावन पर एवं नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता रानी, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।